मेरा गवर्नमेंट के साथ ना कंपटीशन चलता रहता है, कोई भी काम सरकार करे उससे पहले मैं कर देता हूँ। जैसे पहले सरकार ने 1,000 का नोट बनाया, मैंने 10,000 का बना दिया। उन्होंने खुशी में मुझे सम्मानित किया भाजी, उन्होंने 2 महीने का हॉलीडे पैकेज दिया मुझे तिहाड़ जेल में, साथ में डंडों का मसाज फ्री। मैंने सोचा जब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो क्यों जाने दें। भाजी मैंने अपना रेलवे स्टेशन खोला है, इससे पहले हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चले मैंने यहाँ पे चला दी भाजी। पूरे मोहल्ले को काम दे दिया भाजी, देखना मैं पर्सनल रेलवे से कितना पैसा कमाता हूँ। डॉक्टर साहब गरीबों की सुनो बात तुम्हारी सुनेगा तुम चार में दस रुपए तुम चार दोगे वो 10 रुपए देगा। स्टेशन बसा नहीं भिखारी पहले आ गए। डॉक्टर साहब आप गाना गलत गा रहे हैं, आपको तो 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये होता गाना। 1 पैसा लेता कौन है आजकल भाई है? और 1 पैसा देता कौन है और 10 लाख रुपए देगा, ये तो ओवर कमिटमेंट होगी ना सिद्धू साहब, है ना। मैंने आपको कहा था वहां पे इंक्वायरी काउंटर बैठना, आप भिखारी बन के क्यों घूम रहे हो? ये मेरी काबिलियत है, मैं इसलिए घूम रहा हूँ। तो मैं मेरा टैलेंट नहीं दबा सकते बिल्कुल भी ऐसे बोल। आपका गला तो दबा सकता हूँ मैं, दबा जाइए वहां पे जाके बैठिए। पहले ये बताओ कि बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? आप एक काम करो, आप पटरी पे लेट जाओ, जब चलेगी पता चल जाएगा आपको। मैंने लिफ्ट पे थप्पड़ मारना आपके। अगर तुम भीख मांगने में मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारा 420 में सपोर्ट करूंगा। मैंने एक चीज देख ली भाजी। क्या? आप सुअर के लिए रेड कार्पेट भी बिछा दोगे ना, वो सोएगा नाली में। चेंज योर वोकैबुलरी। गधे को मूंग की दाल का हलवा हजम नहीं होता, तुम ऐसा नहीं कह सकते। बैठिए। अरे मैं अपने बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकता, बैठूंगा नहीं, अभी मैं अपना बिजनेस ही करूंगा। तुम 100 रुपए दोगे समझ में नहीं आ रहा भाजी, इन लोगों के भरोसे कैसे चलाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन अपना। चोर 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 यार, मैं चोर नहीं, मैं कुली हूँ। कुली है तो बस अड्डे से हमारा सामान लेकर क्यों भागा? ताकि आप बस में ना जाएं, इस बुलेट ट्रेन में जाएं। ओह माय गॉड, यहाँ रेलवे स्टेशन भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छी चीजें कहाँ कहाँ चल रही है आपको वैसे भी देर बाद ही पता चलता है। हेलो, माय सेल्फ स्टेशन मास्टर कपू शर्मा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भाई साहब देखें, हम हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे तो ये बस अड्डे से हमारा बैग उठा के भाग आया। बहुत अच्छा किया ना। क्यों? आप बस में जाते सारा टाइम बस में निकल जाता, आपका वैसे भी ज्यादा बस में है नहीं कुछ। देखिए आप बुलेट ट्रेन में जाइए, जल्दी पहुंचेंगे, हनीमून को ज्यादा टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पतंग में कन्नी मारने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, पतंग उड़ाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। चंदू भाग के जा, मैडम के लिए चाय लेके आ। चलो मैं अभी इनके लिए सुंदर टिकाऊ चाय लेकर आता हूँ। हैं, ये टिकाऊ चाय क्या होती है? इसकी चाय ना पेट में जाके वो टोस्ट बन जाती है, पर जब तक पटरी पे ना बैठे तो चाय निकलती नहीं है। ओ भाई साहब जी, हम ट्रेन की पटरी पे बैठने के लिए नहीं आए, हम ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं। अच्छा, टिकट कितने की है? 2,000 रुपए की। 2,000? ये तो बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपए ये चाय वाला ले जाएगा, 1,000 रुपए मैं, हमें क्या बचेगा? तो रेलवे को क्या जाएगा? रेलवे को मैसेज जाएगा कि चोर चिट्ठी नहीं रखने चाहिए। एक मिनट, पर आप तो स्टेशन मास्टर हो ना? तो जब ट्रेन चलेगी तो मैं टीटी बन जाऊंगा, आपको क्या है? तो फिर स्टेशन कौन संभालेगा? ऊपर वाला जो पूरी दुनिया संभाल रहा है, छोटा सा स्टेशन नहीं संभाल सकता। आप टिकट लो फटाफट, ये लीजिए टिकट। चलो बाकी आधी भी ले लो, मैं क्या करूंगा। प्लेटफॉर्म की टिकट है ये तो प्लेटफॉर्म से जाएगी ट्रेन, ट्रेन का फ्रिज में से जाएगी। इंडिया में सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने। तो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है, हमने अंग्रेजों को इनवाइट किया, हमारे साथ ये ट्रेन में सफर करेंगी। माई सेल्फ इसका हस्बैंड। कपूर, हमने आपको कितनी बार बोला हम कॉमन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करता, इसके मुंह से प्यास की बास आती है। मिस्टर कपूर प्लीज हमको विंडो सीट देना ताकि वहां से खुला खुला ताजा ताजा हवा आए। ओके ओके क्वीन डन। एक मिनट, ये तो बुलेट ट्रेन है और मैंने सुना है कि बुलेट ट्रेन की खिड़की खुलती नहीं है।
फिर ताजी हवा कहाँ से आएगी क्वीन जी? क्योंकि हम अपने साथ हमेशा पेशकश लेके चलता है। पेशकश? स्क्रू ड्राइवर। या इससे हम विंडो खोल देते, ताजा ताजा हवा आता है। कितनी बार तो हमने पंखा भी खोल दिया। वेरी नाइस, बहुत हो गया लेडी क्वीन। चलिए लेडी क्वीन, आपको भाई साहब क्वीन तो लेडी होती है, फिर लेडी कहने की क्या जरूरत है? इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता, नहीं तो कभी कभी मर्दों की तरह ना पजामा ठीक करने लगती हैं। अब चुप रहिए। वैसे भी मैं इन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहती। खबरदार जो तुमने इनको ट्रेन का टिकट दिया था। हाँ ना दो, हम प्लेन से चले जाएंगे। मैं अभी बाहर जाके ना जरा प्लेन को आधे के रोकता हूँ। एक मिनट, वो ऑटो रिक्शा होता भाई साहब, ऑटो रिक्शा को प्लेन कौन बोलता है भाई साहब? जब उसको मैं 500 वाले करारे करारे नोट दूंगा ना, तो वो ऑटो कोई बुलेट ट्रेन की तरह भगा के लेके जाएगा। मेरे नाना ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना। उस जमाने में इंटरनेट कहाँ होता था, तभी तो लेट आई है ना। देखिए इंटरनेट के भरोसे ना रहो आप, इंटरनेट के भरोसे रहो ना तो रिश्ते सब गए। आप खुद समझदार, आपसे आने में 3 बार बुड्ढे हो चुके हो आप। देखो अगर आप इंटरनेट के भरोसे रहो, अच्छा, सर्वर डाउन हो जाए जो आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है, हनीमून हो सकता है कभी? तो इंटरनेट को छोड़ो, अपने रिश्ते के मजे लो। चलो चलो चलो। डार्लिंग, हाँ? हनीमून है, एक ही बर्थ ले लेते। देखिए ये बुलेट ट्रेन है, जब तक आप बर्थ पे पहुंचेंगे ना तब तक हम स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे। इसलिए दो ही टिकट्स ले लीजिए। सुना मैं तुम्हारी सुनेगा, तुम चोर पे आ जाओगे, बस देखेगा। दादी को सुना मैं तुम्हारी सुनेगा, तुम चोर पे आ जाओगे, बस देखेगा। ओए शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? काम कर रहा हूँ, इसमें क्या शर्म है भाई? और इसमें कौन सी मेहनत है, काम करो कोई। दुनिया में सिर्फ हनीमून मनाना काम नहीं होता भाई साहब, जैसे आप देखा इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तुमको पता है ऐसे घुटने फोल्ड करके बैठो, ऐसे ऐसे करके चलो, ऊपर से तुम जैसे लोग रास्ते पे मोटा मोटा थूक फेंक देते हैं, हमको ऐसे स्लिम होके ऐसे चक्के जाना पड़ता है, हैं? बहुत मेहनत लगती है। चलो 100 रुपया दे दो। बात इसने अच्छी की है, 100 रुपया दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी। लेकिन करोगी किससे? वो इंक्वायरी सेंटर है ना, वहाँ बात करते हैं। वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, जाओ जाओ, मिल जाएगा बंदा। अच्छा, हाँ जी, हो सकता है हमारे पहुँचते पहुँचते कोई आ जाए। जाओ जाओ। कहाँ है? हेलो एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, या प्लीज टेल मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए ये बुलेट ट्रेन कब आएगी? बताइए आपको जाना कहाँ है पहले? शिमला जाना है। शिमला जाना। कितना किराया लगेगा? 20 रुपए। बड़ा सस्ता। सॉरी, मैं शिमला मिर्च का बता बैठा रेट आपको। नहीं नहीं, अपना शिमला का तो है जी, अपना ये 40,000 रुपया लगेगा पर टिकट। 40,000 रुपया लगेगा? हाँ जी। ओ भाई तुम हमें वहाँ फ्लैट भी लेके दे रहे हो, इतना महंगा में हम नहीं जाएंगे। इधर आइए, आप उधर जाइए। उधर थप्पड़ तो नहीं मारना? नहीं नहीं, आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं ना, इसलिए महंगा लग रहा है आपको। एक बार हमारी एयर होस्टेस देखेंगे ना, आपको परवड़ेगा 40,000 रुपये में, सस्ता ही लगेगा देखना। मैंने मेरे एयर होस्टेस, यहाँ एयर होस्टेस भी है भाई साहब। दे दो। यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एयर होस्टेस पहुंचे हैं। भाई साहब एक टिकट दे दीजिए। डार्लिंग मैं अकेले ही हनीमून से होके आता हूँ, तुम घर जाके तलाक के पेपर साइन करो। आपने एक बार आप घर पे आना, फिर बताऊंगी मैं आपको तलाक कहीं के। इस उम्र में नहीं गिराते, उठने में टाइम लगता है।